फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मेरी बाइक का माइलेज टेस्ट सामने आने वाला है। आज इस बाइक को परचेज करे हुए अप्रॉक्स कितना दिन हो गया, 14 मई को मैंने परचेज करी थी और आज है 25 मई, तो आप लगा लो 11 दिन हो गए हैं, 11 दिन के अप्रॉक्स इस बाइक को हो गए हैं। और मैंने जब इस बाइक को शोरूम से निकालने के बाद फ्यूल डलवाया था तो इसके अंदर 900 रुपीज़ का फ्यूल मैंने डलवाया था, एंड उसके बाद आज जाके इसका फ्यूल इंडिकेटर बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। मैंने फिर से रीफ्यूलिंग करवाई है और 387.4 किलोमीटर की अभी तक एक्चुअल चल चुकी है, जिसमें से 7.5 किलोमीटर मेरे को ऑलरेडी रीडिंग मिली थी जब मैंने शोरूम से बाहर निकाली। तो ऑन एन एवरेज 380 किलोमीटर्स मैंने इसको ड्राइव करी है जब से परचेज़ करी है, और उसके बाद आज मैंने फिर से रीफ्यूलिंग करवाई है। तो उन सब कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ना मेरे को 40 kmpl का एवरेज मिला है अर्बन मोड के ऊपर, जो कि मैं मानूंगा कि इस स्पोर्ट्स बाइक के लिए काफ़ी अच्छा एवरेज है, बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा। और मैंने 70, 75, 80 हर स्पीड पे इस बाइक को ड्राइव करा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल मैंने इकोनॉमी मोड पे चलाया तो मैं बता रहा हूँ कि 40 का मिला है। उसके बाद भी इतना अच्छा एवरेज इसने निकाल के दिया है, 41.03 समथिंग का है, तो मैं फिर भी आपको अप्रॉक्स बता रहा हूँ कि 40 का एवरेज मेरे को मिला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है और वो भी अर्बन मोड के अंदर मेरे को मिला है। रेन मोड में होगा तो शायद हो सकता है एवरेज थोड़ा और बढ़ जाए, स्पोर्ट्स मोड में डेफिनेटली भाई एवरेज गिरेगा ही क्योंकि पूरा थ्रॉटल रिस्पांस आपको अच्छा मिलेगा इस बाइक का। बाकी अगर डेली कम्यूटर की मैं बात करूं तो अर्बन मोड पे यार अगर आपको 40-42 का एवरेज मिल रहा है तो फिर क्या ही दिक्कत है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर स्पोर्ट्स बाइक के अंदर आपको 40-42 का एवरेज मिल रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ पर डिपेंड करती है भाई फ्यूल के रेट तो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा हाई चल रहे हैं। अपनी सिटी में फिलहाल फ्यूल का रेट है 97.17 रुपीज़, तो उसके अकॉर्डिंग जितना फ्यूल डला, मैंने फर्स्ट टाइम जब फ्यूल डलवाया था वो था 900 रुपये का, और आज जब पूरा यहाँ पे इंडिकेटर एम्प्टी हो चुका था, यहाँ पे इंडिकेशन दिखा रहा था रीफ्यूलिंग के लिए, तब मैंने इसको फ्यूल डलवाया तो 868 रुपीज़ का डला था, जो कि मेरे मानने से जब मैंने शोरूम से निकाली थी बाइक उस पे शायद ज़्यादा डला था, तो मैंने पहले ही रीफ्यूलिंग करवा ली क्योंकि इंडिकेटर ख़त्म हो चुका था, यहाँ से मुझे लगा शायद बिल्कुल कहीं ख़त्म ना हो जाए, रास्ते में रुकना ना पड़े। और BS6 बाइक है तो इसमें मिनिमम 2.5 से 3 लीटर पेट्रोल होना भी चाहिए यार, उतने पे ही आपको रिफ्यूलिंग करवानी चाहिए इंजन की सेफ्टी के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 40-42 किलोमीटर की अगर एवरेज मिल रही है मेरे को TVS Apache RTR 164 वी स्पोर्ट्स बाइक की, तो इससे ज़्यादा तो मैं और क्या ही एक्सपेक्ट करूँगा। बात तो सही है बाकी अपनी बाइक एक नंबर है, हर चीज़ में बेस्ट चल रही है। तो इस वीडियो में बस मैं आपको एवरेज ही बताने वाला था कि मेरे को कितना एवरेज मिला, मैंने पूरी टैंक ख़त्म कर दी उसके बाद फिर से रिफ्यूलिंग करवाया, और जो जो कैलकुलेशंस है मेरी कि मेरे को एवरेज कैसे मिला, कैसे मैंने कैलकुलेट किया, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेना कि मेरे को 41.03 समथिंग का एवरेज मिला है जो कि बहुत ही बेस्ट है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और जाते जाते चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।